एक बादशाह था, उसने 7 मंजिला मकान बनाया। नीचे रख दे कौड़ियाँ, उसके ऊपर रख दे पैसे, उसके ऊपर रख दे रुपए, उसके ऊपर रख दे मोहरें। सोचो, उसके ऊपर हीरे मोती वगैरह रख दे, उस 7वें मंजिल पे आप बैठ गया। हुक्म दिया, जिसने लूटना लूट लो, जो मर्जी लूट। कहीं तो डरते ना गए, कोई कौड़ियाँ उठा के ना दौड़ गया, कोई पैसे, कोई रुपए, कोई मोहरें, कोई मोती, कोई हीरे जवाहरात। एक कर मैं तो ऊपर जाकर देखूँ क्या है। जब उठ गया, उसने उसके सिर पर ताज रखे, चलो भाई जो मर्जी करे, सारी दुकानें खुली हैं, सब कुछ उसके अंदर है। अगर डॉक्टरी इसके अंदर से निकली, अंदर ही हुई ना, इंजीनियरिंग ये भी सीखे, वो भी इसके अंदर बैठा है। जैसे ये है ऐसे वैसे वो है। एक आदमी आके जी दिखाओ, ऐसे कैसे दिखेगा? किसी ने डॉक्टरी की, उसको डॉक्टरी दिखा, उसका काम तो दिखाई देगा, लेकिन वो तो नहीं दिखाई देती, वो तो अनुभव की चीज़ है, सीधे ये है। हाँ हाँ जी, उस नाम को शब्द रूप में रमा हुआ, उसको प्रकट करना, ये असली भक्ति है। जय जीवन साहब क्या कहते हैं, हाँ, बाकी हजारा जाप तप कर कुछ नहीं बनता। हाँ हाँ जितने बाहर मेहनत करते देखो, डॉक्टर, इंजीनियरिंग और इल्म लिए, जब बच्चे इम्तिहानों के नजदीक आते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं। ये इतनी मेहनत करे, पता नहीं कुछ ना कुछ हासिल कर दे। जो करते हैं उनको पता चलता है अंदर है चीज। कई चिट्ठियां आती हैं, कई हैं, कोर्स लंबा है, कई की जन्म भी लग जाते हैं। आज एक छोटी सी लड़की आई, एक लड़का इतना बड़ा आया, वो कहने लगा, मेरी बहन ये कहती है, मैं सान जी की चाय हूँ, इतनी मखला, इतनी इतनी सिर्फ इतनी। बोलो केड़े पिंड सी हो, केड़ा भाई हो, होना तो आए थे। हाँ, मुंडेर, बोल दसो। इतनी बच्ची, मैं मुझे पहचान देखे। हाँ, एक छोटी लड़की आई बागड़ से, वहाँ मिस्त्री है उसके गांव से, कहने लगी मैं मुसलमान में कुड़ी थी वहाँ भिवानी में, तो मिसान जी के से नाम लिया था, अभी इधर आई हूँ कोर्स पूरा करने। बोलो, ये मैं कौन छोड़ता नहीं है, जिसको पकड़ ले, जिस पे अंदर वो बीज डाल दे, उसको छोड़ता नहीं, चाहे कितने जन्म लग जाए। एक लड़का और है, वो गुणान सब कचताया हुआ है, छोटा सा ही बच्चा बातें करने लगे दादी से, गुणान साहब से, देख लो भाई। कहने लगा, क्यों घर वाले क्यों पीटते थे, उन्होंने पहचाना नहीं, वो यहाँ से जाना नहीं चाहता, उसे माँ साथ आती है फौरन ले जाती है। ये देख लो, सब कुछ इसके अंदर है, फिरता बाहर है। हाँ, ना पढ़ाई की जरूरत है किसी, बल्कि ज्ञानी रह जाते, ज्ञान अर्थ देखे वो तो वाह, उल्ट पुलट किए पड़े हैं सब, जहाँ अंदर की बात है बस खत्म, और ये और तरफ ले गए। हाँ हाँ जी, ये प्रैक्टिकल कोर्स है, अनपढ़ बल्कि ज्यादा तरक्की कर जाते हैं, पढ़े लिखे कम करते हैं, अकलें मार देती हैं सबको। हाँ वो, हाँ हाँ मन में समझ भजो रे भाई, समझ भजो रे भाई, मन में समझ भजो रे भाई, बिना नाम नहीं सुख पहो, बिना नाम नहीं सुख पहो, छोड़ दे गफला।
ना मिले मन तृप्ति बिना मैं तिर्ग जीवास, कि गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रगुणतास, और तिस विट्टो चौखने में नाम करे प्रगास। अगर शांति है तो नाम के पढ़ करने में है ही नहीं शांति, बस खत्म। हाँ हाँ जी, ये कोर्स करना पड़ता है। हाँ हाँ जी, बादशाह तख्त चढ़ भूला, बादशाह तख्त चढ़ भूला, सुबह करत सुबाई, सुबह करत सुबाई। बादशाही में मिला किस सुख, बादशाही में किसी को मिला? मैं भी मिला, बाल बच्चे मिला, इस नाम को पर फिर सुख है। हाँ हाँ जी, हाँ बादशाह तख्त चढ़ भूला, बादशाह तख्त चढ़ भूला, सुबह करत सुबाई, सुबह करत सुबाई, राजा राज काज में भूला, राजा राज काज में भूला, कबू ना बंदगी आई, कबू ना आई, मन में समझ भजो रे भाई। दाम क्या, दाम किसे कहते हैं? हम आजकल तो पता नहीं, पहले थे एक पैसे की तीन पाई, चार दमड़ियां, 25 दाम हुआ करते थे, 25 दाम, 25 दामों तक गिनते रहते थे। बोलो भाई देख लो दाम तक भूला, बस उलझे पड़े रहे। हाँ तो शाहूकार देते हैं, निशापुर में एक भक्त भी था, एक माया का पुजारी भी था, सारा दिन माया गिनता रहता था। माया गिनते गिनते नौकरानी करने लगा, फिर रोटी लिया, वो रोटी लेकर खड़ गई आकर, वो अपने माया में मस्त रहा, वो उठा के ले गई। दोबारा फिर ऐसे हुआ, तीसरी बार फिर हुआ, वो जानती थी इसके हालत को। उसने आखिर क्या किया, दाल में से उंगली लगा के उसे होंठ पर लगा दी और थाली उठा के ले गए। थोड़ी देर बाद जब जी को स्वाद आया, कहने लगे ले पानी हाथ धो लूं। तो हाँ हाँ जी, शाहूकार दाम तक भूला, शाहूकार दया जी ने विसराई, दया जी ने विसराई, सबसे अमीर आदमी दुनिया में। इधर उसने लिखा मुझे कोई शांति दे, सारी माया ले ले, फिर शांति ना हुई। हाँ जोगी जाग जुगत में भूला।
कर दिया। हाँ बिना नाम, हाँ बिना लगे रहो बस, ये शांति देने वाले। मौत के वक्त ऐसे जाते हैं, यहाँ तक के रिश्तेदारों तक की भी संभाल है, डंगरों की भी, वो तो भी आराम से जाते हैं। और ये इसने सुनाया था क्या, नस्तोली वाले बैठे हैं ना, नस्तोली वाले हैं। हाँ सुनाओ क्या बात थी वो, इधर आ सुनो। आए है तो चिट्ठी आती हैं, आराम से जाते हैं। अगर कर्म होगा पहले कटवा लेगा, तो मौत के वक्त आराम से लेके जाएगा, उसके चेहरे पे खुशी होगी, शांति खास निशानी ही है। हाँ दान दान सतगुरु तेरा ही आस। हमारे पिताजी नामदान भी नहीं था जी उनका, जिस दिन चोला छोड़ा उन्होंने कही भाई लेने वाले आ रहे हैं, अब हम जाएंगे, हमारा मुंह धो दो। और
बड़े खुशी खुशी कह के उन्होंने चोला छोड़ा, चेहरे पे रौनक और कह के चोला छोड़ लिया ना। वो जरा वो चिता बड़ा अच्छा जी। हाँ देखो वो तो है ही। नाम भी नहीं आया। नानक जिन सतगुर सुने पेख्या, बोलो पढ़ते हैं ना, नानक जिन सतगुर सुने पेखे से गर्भवास न परे रहे। अगर उन्हें तसल्ली आ गई है भी वाकई ठीक है वो चीज़, फिर भी उसकी संभाल है, नाम तो मिलेगा उसको फिर दूसरे जन्म आदमी का मिलेगा, लेकिन ये है जरूर है। हाँ हाँ कौन था जी वो जड़ का ना मर गया से फिर उठ खड़े। हाँ जी हाँ समझे नहीं अच्छा हुक्में है। हाँ सुनो भाई, चाहे नाम लिया उन्हें तसली एक दो सुन के भी तसली आ गई है, या दर्शन कर ले तब भी वो संभाल इस वक्त ऐसी। हाँ हाँ क्या उसका ही जी वो चोला भी छोड़ गया जी, और मरने के बाद जो चिता में जला भी दिया जी। हाँ और इसके बाद चौथे दिन आ गया जी। हाँ चौथे दिन जी भाई ये है मसान जी वचन कर गए थे रिश्तेदारों के संभाल भाई, डंगरों के जिनके दूध पिए प्रेमियों ने, ये खास निशानी है। हाँ दसो भाई दान दान सतगुरु चार चार दिन पड़े रहे हैं ऐसे चेर पे, ये खास निशानी है। हाँ पढ़ भाई शब्द सुनो भाई, समस्त बरेश साहब अव्यासी की मौत के समय मुर्शद के आने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मालिक के प्रेमी तो बाखबर मरते हैं, उनको अपनी मौत की पहले से ही खबर हो जाती है, वे अपने प्रीतम के सामने एक मीठी मौत मरते हैं, मुर्शद उनकी गुप्त आंख खोल देता है और मुर्शदहीन मनुष्य अंधेरे में मरते हैं। आरफ यानी गुरुमुख लोग मरकर अपने सच्चे मालिक की तरफ रवाना होते हैं और बिना मुर्शद वाले लोगों की जान खवार होकर बेखबरी में निकलती है। जब वे चोला छोड़ते हैं तो सद्गुरु उनके सामने होता है, उनको उस समय तो एक ही है जिस चोले में वो आता है काम लेता है उसी रूप में अगर मिलता है। तभी उन्होंने लिखा नानक कचड़े से तोड़ तोड़ सज्जन संत पक्या वो जिंदे बिछड़े हुए ना जैसी छोड़, सज्जन से ही नाल में चल दे नाल चलन जिथे खमंगे तिथे खड़े थे सन। हाँ हाँ जी उनको उस समय इतनी खुशी होती है कि अपनी शादी के मौके पर भी न हुई होगी उनका सबसे। देखो रोग मरते हैं तो कैसे रहायबू करते हैं, ये खुशी खुशी जाएंगे उनका रुक जा कहते ना मुझे जाने दे। हाँ जी उनका सबसे मोह टूट जाता है, माँ अपने गोद के बच्चे का मुंह भी देखना नहीं चाहती, उनके दिल में कोई डर या चिंता फिक्र नहीं होता, उनको घर बार छोड़ने का कोई रंज नहीं होता और न ही आम जीवों की तरह उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, न मल मूत्र निकलता है, न ही उनके चेहरे पर किसी प्रकार का मलाल होता है और न ही वह काला पड़ता है। अचानक पुलिस आ जाए बेहोश हो जाता है। देखो भाई अगर किसी संभाल होते तो खुशी होती है, इसी तरह ये है या जमदूता तो टट्टी फैम निकल जाता है बुरा हाल होता है इनका नहीं। हाँ हाँ जी कोई नहीं बैठन नहीं। हाँ। उनका शरीर भी जल्दी नहीं अकड़ता, काल व उसके दूत उनके समीप नहीं आते, बल्कि अगर कहीं आ जाए तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि दहाड़ कर उनको भगा देते हैं। बोलो किसी ताकत है जमदूतों को भगा दे। देखो
वहाँ एक मिस्त्री है डेर में काम यूपी का, उसके लड़की लड़की और तो कोई नहीं। पहले तो वो उसके दादे के पास छोड़ आया, फिर वो दादे को उसके चाचा ले गया, मामे के पास छोड़ आया। मामे के पास छोड़ आया तो आया, कहने लगी चिट्ठी आई कि मुझे इतना बुखार हुआ मैं समझ बस अपने बचती। जमदूत आया, जमदूत आया तो मैंने चप्पल खोल ली, जाल लगा मैंने मारी देखो भाई चप्पल मारी चिट्ठी पड़ी है भाग गया कि मैं नहीं तेरे साथ जाती। फिर के प्रेमी आया, फिर उसने बहुत बातें लिखी हैं, सबने बातें सुनी उसकी आया ये है जमदूत नजदीक नहीं आया। प्रभ के सिमन तू जमन से प्रभ के सिमन काल पर पढ़ते हैं ठीक से, मैं इसके आगे कोई नहीं आता है अथॉरिटी वाला हो, दो लफ्तर एक बता देता है। आम जो जपते हैं पढ़ दिया हाँ। जो कोई संत शरण के दागी तिनते काल दूर होए भागी, जमकी जाल निकट नहीं आवे मारक छाड़ अलग हो जावे। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो लोग सतगुरु की भक्ति में लगे हुए हैं उनके पास यमदूत नहीं आते, वह न ही उन्हें धर्मराज के पास जाना पड़ता है। जिना सतगुर से उचित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब न हो वही ना वो दुख सहाय। फिर फरमाते हैं कि जहाँ पापी मनुष्यों को काल दूध की तरह मथनी से मथता है, वहाँ संतों की चिताए हुए जीवों का जो नाम प्रकट कर लेते हैं या प्रकट करने का यत्न करते हैं धर्मराज स्वागत करता है। धर्मराज स्वागत करता है और उनको नमस्कार करता है हाँ। पापी कर्म कमाउंदे करदे हाय हाय, नानक ज्यो मथन मदानिया त्यो मथे धर्मराय। नाम ते आयन साजना जन्म पदार्थ जीत, नानक धर्म ऐसे चवे कितो पवन पुनीत। यदि किसी ऐसे सत्संगी का कोई कर्म बाकी रहता हो तो मौत से पहले सतगुर इस कर्म के बदले में कष्ट देकर उसे भुगता देता है, परंतु मौत के समय जीव खुशी खुशी जाता है। खुशी खुशी जाता है, ये निशानी खास कर्म को बदला देना ही है, हिसाब मकाने हैं, ये खास निशानी है। हम रोज पढ़ते हैं ये फकीर की अथॉरिटी पे, लफ्ज तो दो हरेक बता देता है, अगर उसको मालिक दरगाह से हुक्म है उसका बताया लफ्ज काम करता है बाकी ने। कृपा के इस पार ब्रह्म हो गए साधु संग, ज्यों ज्यों बताइए तेते और से रंग। दोहा सिरा का खास माप अपना दूजा ठाओ, साधु तुठे पाइए नानक सच्चा नाव। मालिक से मेर से वो ठीक साधु मिल जाए उसका जो बताया सिमरन है, और जो दुनिया आम करती है उसमें क्या फर्क है। पर भाई यदि मनुष्य रोज शब्द पढ़ते हैं जा को मुश्किलत बने टोई कोई ना दे, बस बचाता कोई नहीं है? चौथी पंचमी कड़ी में क्या देते हैं फैसला हाँ। यदि मनुष्य काम क्रोध और मोह के वश में आ गया हो, कंजूसी की वजह से लोभ से अति प्यार हो गया हो, चारों किस्म के पापों चोरी करना शराब पीना पर स्त्री गमन और ब्रह्म हत्या में लीन हो गया हो, दूसरों की तबाही के लिए राक्षस बुद्धि बन गई हो और कभी किसी धर्म पुस्तक का कोई वचन भी न सुनता हो, यदि वर्षण मात्र भी सच्चे दिल से यह सिमरण करे तो उसका निस्तारा हो जाता है। हाँ, उसका ऐसा कोर्स उसे करना पड़ेगा, लेकिन जमदूत नजदीक नहीं आएंगे। दूसरी तरफ जो आम करते हैं सुनो इसके हाँ। उल्ट यदि किसी ने शास्त्र स्मृतियों और चारों वेदों को जबानी याद कर रखा हो, तपस्वी बनकर तपस्या करता हो, योगी बनकर योग साधता हो, 68 तीर्थों की यात्रा करता हो, खटकर्म यानी यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना, वेद पढ़ना और पढ़ाना करता हो, विधि पूर्वक कर्म धर्म और पूजाएं भी करता हो, यदि उस पर मालिक की याद। चलो हम क्या कहेंगे उसको, बोलो भाई कम से कम स्वर्ग में तो जाएगा, वो क्या कहते हैं फैसला। यदि उस पर फैसला है हाँ। यदि उस पर मालिक की याद यानी सिमरन का रंग नहीं चढ़ा तो निसंदेह नरकों को जाएगा। बोलो। हाँ जी चल भाई बस बोल भाई ले भाई प्रसाद तुम बोल।
रैन कुमारी, खाने पीने में ना वक्त गुजारो, कुछ कर लो, बस ये है। हाँ हाँ जी, नाम अजय देंगे हम से। सुनो मैं सच, हाँ सत्संग सुन लो भाई। मांडोटी वाले बुधवार को 10 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे करके, फिर हम चले जाएंगे। फिर शीश वाला के दिन वहाँ भी 10 बजे पहुँचेंगे, समझे, शीश वाला, फिर चले जाएंगे, फिर डेरे चले जाएंगे। ज्यादा तंग ना करो, मेरी सेहत इतना काम नहीं करती। वो कहते इधर सारा दिन घुमाते फिरते हैं। और ख्याल भी रखो, लाते तो आए हैं, करते हैं ऐसे, याद रखो यार। हाँ जी, वो कहते इधर चल, सारा दिन किसको घरों की लगी पड़ी है, किसी कुछ, बस ऐसे ही है। अपना सिमरन करो, मेन चीज सिमरन ना, याद रखो। हाँ हाँ जी, वो रैन कुमारी, हाँ हाँ बोलो। अच्छा पढ़ता, हाँ क्या स्तंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। 3 बजे कह दे, सात संगत इसी तरह प्रेम पूर्वक बैठी रहे, अब प्रसाद दिया जाएगा। जब तक सभी सात संगत को प्रसाद ना मिल जाए, कोई भी प्रेमी बीच में खड़े ना हो। आगे के प्रोग्राम रास्ते में जाती दफे बाबा जी ने 2 प्रोग्राम दिए हैं, 8 तारीख दिन में मांडोटी गांव में सत्संग होगा, और 9 तारीख हिसार जिला में शीशवाल गांव में 10 बजे सत्संग का प्रोग्राम होगा। ये 2 प्रोग्राम रास्ते के रखे हैं, आसपास की जहाँ की भी संगत है वो वहाँ पहुँच जाए। आगे बड़े डेरे में मस्ताना से बलोचिस्तानी आश्रम जगमालवाड़ी, जहाँ परम पूज्य मैनेजर साहब विराजते हैं, वहाँ इस दफ़ा जो महीने वाला प्रोग्राम है वो भंडारे का होगा। 15 और 16 नवंबर को मस्ताना से बलोचिस्तानी आश्रम में भंडारे का प्रोग्राम होगा, सभी सा संगत भंडारे पर दर्शन दे। नामदान, जिन प्रेमियों ने खुशी से नाम रास्ता लेना है उनको आज ही 3 बजे नामदान दिया जाएगा। जिन प्रेमियों ने नाम रास्ता लेना है वो 3 बजे यही स्टेज के पास बैठ जाएंगे। जामन भी लाएं। नाम रास्ता लेने वाले अपने साथ जमानतियां लेकर आए। जामन भी ठीक बने, नहीं तो फिर उसकी भी खालत करती है तो। मेरे बाजीतपुर की जो प्रबंध कमेटी है डेरे की, डेरा बाजीतपुर की जो प्रबंध कमेटी है उनकी आज 3 बजे मीटिंग है। क्या बाजीतपुर डेरे की जो कमेटी है पंडित जी की मीटिंग है? अच्छा, मीटिंग कल। हाँ, जब सत्संग के समाप्ति के बाद सात संगत यहाँ से जाएगी तो स्कूल के उधर सामने बाहर जाने के लिए 2 गेट हैं। पहला गेट जो है उसमें से केवल बीबियां बाहर जाएंगी। सात संगत ध्यान से सुन ले, जो 1 नंबर गेट है यहाँ चलते ही पहले जो गेट आएगा उसमें से केवल बीबियां बाहर जाए, और उस गेट से थोड़ा आगे दूसरा गेट है वहाँ से बुजुर्ग वीर जी बाहर जाएंगे, और सिरसा से जो ट्रक आए हैं वो 3 बजे चलेंगे। प्रसाद दिया जा रहा है, सात संगत इसी तरह प्रेम पूर्वक बैठी रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई मांडोटी जाने के लिए रास्ते 2 हैं, एक तो झज्जर रोड से जाना है और एक रोहत गांव से जाना है। तो झज्जर वाला रास्ता वो ख़राब है, आप रोहत से जाएं तो ठीक रहेगा। रोहत गांव से एक सड़क सीधी मांडोटी को जाती है। रोहत जो है वो रोहतक रोड के ऊपर है, रोहत गांव, बहादुरगढ़ से नहीं, सीधे रोहत रोड पे जाए, रोहत गांव बाबा सामने सोरे।
और वहाँ से एक सड़क फटती है मानो ठीक है, वो सड़क बहुत बढ़िया है, और ये जो बहादुरगढ़ से सड़क फटती है झज्जर को, ये सड़क ठीक नहीं है। तो आपसे सबसे बेनती है कि रोजगांव होके जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग से अर्ज है कि जिस तरह से आप दिल्ली डेरा आती दफा हिसार में रुके हैं, उसी तरह से अब वापसी में जो संगत हिसार से होके जाएगी सभी मॉडल टाउन में 69W मॉडल टाउन में, वहाँ चाय और लंगर लेकर जाएं। हिसार से होके जो सात संगत जाएगी वो जाती दफा हिसार में 69W मॉडल टाउन में चाय और लंगर लेके जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बोल भाई। कबीर मानुष जन्म दुलम है, होए न बार बार, जो बन फल पाके भोए गिरे बोहर न लागे डार। ऋण गवाई सोए के दिवस गवाया, बुला दिया, बस मालिक बुला दिया, यही बंदोबस्त करते हैं, या खाने का या सोने का, बस दे लो। बच्चा सो जा, कल काम कैसे करेगा? अच्छी तरह खा, बोलो भाई, तगड़ा हो, मजबूत कर, दस में यही सिखाया, मालिक तो बुला ही दिया जाए। हाँ हाँ जी, बज फिर सारे उठन गए। बज हाँ भाई मन बाप भी कहने वास्ता मेरी कला दे पार। हाँ हाँ जी, पुरानी रूह है, आपको नहीं पता। हाँ हाँ जी, शाबाश।
कोई दुकड़े बोल दे हाँ। दोबारा है जन्म पदारत पा
मन नहीं लगता, सुनो क्या कहता है। हाँ, मन तो लगना नहीं, सुनो इसे मुकाबले रखो। हाँ, या का फल नहीं जाएगा कैसे ही लोगों, फिर बोल या का फल नहीं जाएगा सोवन में फिर बोल। हाँ, फिर बोल। उल्ट उलट पुलट जप राम ही एढ़ा सीधा होए, या का फल नहीं जाएगा कैसे ही लोगों। कोई ड्यूटी पे जाता है, तनख्वाह तो मिले, काम होना हो तनख्वाह तो मिलेगी, बस ये भी ऐसे ही है। दो, हाँ हाँ जी, क्या है कोई बात हुई है? हाँ? गलती अंदर माफी मांगो, मैं माफी देने वाला तुम्हारे अंदर है, बाहर कोई माफी नहीं, सब ठगी है बाहर। हाँ जी, अंदर माफी मांग, दो दो चार चार पैन कर, सब ठीक आएगा काम, नहीं और तकलीफ आएगी फिर। तकलीफ आती है नहीं, तकलीफ आती है नहीं, बस फिर पहले कह देते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हो गया भाई, हो गया, चलो बस।